नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। इस बार भी सरस्वती पूजा पर लगा कोरोना का ग्रहण, पूजा पंडालों की रौनक खत्म, मूर्तिकार निराश। सरस्वती पूजा पर इस बार भी कोरोना का साया पड़ा। जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना काल को देखते हुए सार्वजनिक जगह पर प्रतिमा नहीं बैठाने का दिया गया आदेश, जिसके चलते काफी संख्या में मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई माँ सरस्वती की प्रतिमा जिसकी बिक्री नहीं हो पाई, जिससे मूर्तिकार काफी निराश हैं। मूर्तिकार सरस्वती जी की मूर्ति को अंतिम रूप देकर है तैयार, अब कर रहे हैं ग्राहकों का इंतजार। पूजा में मात्र 2 दिन बचे हैं, लेकिन मूर्तिकारों की मूर्ति धरी की धरी रह गई है। वहीं राजस्थान से आए मूर्तिकार राठौर ने कहा कि हम लोग पूरा परिवार मिलकर महीनों पहले से मेहनत कर बाजार से सामान उधार पैचा उठाकर मूर्ति तैयार करते हैं और इस मूर्ति को बेचकर सबको चुकता करते हैं और फिर जो शेष लाभ बचता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन हम लोगों के आस पर फिर कोरोना ने पानी फेर दिया, हम लोगों का लागत भी वापस नहीं हो पाया है। अब सरकार पर ही भरोसा है हम गरीबों का। सरस्वती पूजा नजदीक आ चुका है, कैसा है आपके मूर्ति का बिक्री? बिक्री तो आज 3 साल से सर नहीं हो रहा है, थोड़ा घाटा में जा रहे हैं हम लोग। बनाया कुछ बहुत बढ़िया से सजा रहे हैं, बना रहे हैं, तब भी आ रहे आदमी का, पब्लिक कम ही आ रही है, उसमें बिक्री बट्टा नहीं है। हर कोई उपाय कीजिए, हम लोग को भी मूर्ति वाले के राजस्थान वाले हैं, आज 3 साल से भागलपुर में आके बना रहे हैं तो सेल नहीं हो रहा है, उस वजह से कृपया आपकी दुआ से सब एड्रेस पे आ जाइए और कम बेसी करके सस्ता से सस्ता हम लोग मूर्ति देंगे आपको। और आम पब्लिक से आप पब्लिक से विनती है सबसे, आप पब्लिक से आप आइए इधर लालू चौक बोसी पुलवा के पास, तो आप देखिएगा मूर्ति उर्ति बन रहा है वहाँ पे, थोड़ा कम बेसी करके आपको मिलेगा और सबके लिए भी आपका ठीक होगा, हमारा भी ठीक होगा, क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से लगातार घाटे घाटे में जा रहे हैं, ये हमारा परिस्थिति है सर। बाल बच्चों के साथ सब काम कर रहे हैं, रात दिन मिल के करते हैं तो मजदूरी भी नहीं होता है और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। नाम हुआ आमिर लाल राठौड़, राजस्थान। कितने दिनों से आप यहाँ पे मूर्ति बना रहे हैं? यहाँ 5 साल से बना रहा हूँ सर, 2 साल तो अच्छा चला था, 3 साल से भी लॉकडाउन की वजह से माल बनाया हुआ बिक रहा नहीं है, लॉस से लॉस आ रहा है। लोग मिल के दिन रात काम करते हैं, सब मेहनत उन्नत करते हैं, सब अपना परिवार के साथ रहते हैं।